इसके लिए मेरी कलम को जो ताकत दी है वो सुभाष भोई जी ने दी है। कहते है जब तक उसकी कलम की शैली नहीं होती वो लिख नहीं पाता। तो मेरी शैली जो है वो सुभाष जी है, मेरी ताकत जो है वो सुभाष जी। सुभाष जी हमारे वरदान आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। ये मुझे जो एक इंस्पायरेशन मिली इनसे मिली, क्योंकि ये लोगों को, जितने भी लोग नशे की दलदल में फंसे हुए हैं, चाहे कोई भी नशा हो, बीम का हो, चर्स का हो, कुकी का हो, शराब का हो, मेडिकल नशा हो, किसी भी तरह का नशा हो, वो इनकी पूरी कोशिश होती है कि जन कल्याण के हेतु ये उनका उनको मेडिसिन देते हैं, उनको ठीक करते हैं। और मेरे ख्याल शायद ही कोई बदकिस्मत ऐसा नशा करने वाला इंसान हो जिन्होंने इनकी मेडिसिन ली हो और वो ठीक ना हुआ हो। बहुत सारे लोग नशा छोड़ना चाहते हैं जो नशे की दलदल में फंसे हुए हैं। मैं आज इस पेज के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, और मुझे पता है कि ये पेज एक ऐसा पेज है जहाँ से दिया गया मैसेज पूरे देश के क्या देश के कोने कोने में बोलेगा। और ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि यदि कोई भी इंसान नशे की दलदल में फंसा हुआ है, और वो एक बात मैंने जो देखी है 1992 से लेकर के आज तक के एक्सपीरियंस में कि वो नशा छोड़ना चाहता है परंतु उसको कोई भी सही माध्यम नहीं मिलता। की गई है क्या खास इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है और क्या आज के टाइम में जितना भी हमारा पंजाब क्या पूरा हिंदुस्तान नशे की दलदल में फंस चुका है, और नशे करने वाले को खुद को नहीं पता होता कि वो किस गहराई में किस दलदल में जा रहा है और इसका हश्र क्या है। एक अवेयरनेस के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है कि नशा करने वाला जो है इसको समझ सके कि नशा जो है इसका बुरा प्रभाव क्या है, इससे खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जी, तो इसमें क्या खास मतलब जो लीड रोल है उसमें उन्हें क्या दिखाने की कोशिश की गई है, वो क्या करते हैं इसमें की? उसमें ऐसा दिखाया गया है कि कोई भी नशा करने वाला, एक स्टोरी बनाई है, एक इस तरीके से लिखी गई है कि तीन दोस्त हैं वो नशा करते हैं। जब नशा करते हैं उनको कोई समझाता है, समझाने में सुभाष जी हैं, ये जस्ट टीवी पे आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि नशा गलत है, इसको मत करो। तो वो लोग मतलब एक जनरल ट्रेंड लिया गया है कि जो नशा करने वाला होता है उसको कोई भी समझाता है कि नशा गलत है तो वो उसको उस पर हंसता है, उसको उल्टा कई बार गालियाँ तक दे देता है कि ये तो बेवकूफ है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। मगर जब उसका रिजल्ट उसके सामने आता है 2, 4, 10, 20 साल के बाद कि वो आदमी देखता है कि यार मैं तो ख़त्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर में ये नुकसान हो गया, तब उसको वो समझाने वाला इंसान जो है वो याद आता है, तब उसको महसूस होता है वो यार वो बंदा सही था, मैं ही कहीं गलत था। मगर उस वक्त वो इतना लेट हो चुका होता है कि उसके पास सिवाय बर्बादी या मौत इन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो हमारा यही कोशिश है कि आदमी वक्त से पहले संभल जाए, यही इस फिल्म को बनाए। रियल लाइफ की बात करें अगर, ये तो पिक्चराइजेशन में आपने दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, कई बार स्कूलों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, मंदिरों के बाहर भी इस तरह से जो शराब के ठेके वगैरह खोले होते हैं, तो उनको भी क्या इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा भी कुछ टच किया गया? ऐसा है अभी भी, मतलब हमने कोशिश यही है कि मैक्सिमम समझा सकें, बट हम इसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं अभी, तो उसमें काफ़ी डिटेल में हम जाएंगे। अभी 72 मिनट में हम जितना भी पब्लिक को कहना कह पाए या कहना चाह रहे थे वो हमने कहा, इसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसमें बाकी की जो भी है वो बताएंगे। जी, क्या ये हिंदी में बनाई गई है? ये पंजाबी में है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान तक हम ये पहुँचाएँ, तो एक मतलब पंजाबी इसमें इसमें हमें ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि लाइक नशा साडा पड़ता पंजाब, अगर हम अपनी स्टेट को संभालते हैं, जैसे हम पंजाबी हैं, हम अपनी पंजाबी होने के साथ हम हरियाणा या राजस्थान को तो नहीं बचा सकते, बट कम से कम जहाँ हम रह रहे हैं अपने आस पड़ोस को तो सुधार सकते हैं या अपनी स्टेट को बचा सकते हैं। हर आदमी अगर अपनी स्टेट को संभाल लेता है तो मेरे ख्याल पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक अच्छा हिंदुस्तान बन जाएगा। और यहाँ हमने ये चैलेंज किया है कि अगर हम अपने देश को नशों से बचा लेते हैं तो हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 पावर होगा। सर, पिक्चर बनाने से पहले जब थीम आपके माइंड में आई थी तो उससे पहले ये सोचने की कोशिश की गई थी कि क्यों मतलब नशे की तरफ आज का युवा जा रहा है? देखो, कोई भी नशा है वो शुगर से स्टार्ट होता है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं उनको
صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شگل ہے یار, شگل شگل میں نشہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اکثر دیکھنے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ شگل سے اسٹارٹ ہوتا ہے, یا جیسے کسی کو کوئی اسپورٹس ٹینشن ہے وہ ٹینشن میں دوسرا جو کر رہا ہے نشہ اس کو کہہ رہا ہے یار تو ایک کش تو مار کے دیکھ, ایک پیک تو لے کے دیکھ, مگر وہ یہ نہیں سوچتا. اس میں سبھاجی نے یہ بہت اچھا کہا کہ وہ انسان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے جس نے پہلی بار آپ کو شراب پینے کے لیے کہا. اس پہ میسج تو ایک ہی اور ملا کے کہ نشہ کرنا بہت بری بات ہے. اور ابھی ایک ہم پوچھ رہے تھے کہ نشہ کیوں کرتے ہیں, اس کے بہت سارے کارن ہیں. کئی بار بچہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, کئی بار شوق سے کرتا ہے, کئی بار سنگت سے کرتا ہے. کہ ایسی سوچ سے آج کے نرماتا, آج کے ڈائریکٹرز, آج کے آرٹسٹ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے سماج میں کیا میسج دینا ہے. اور آپ وہ لوگ ہیں جو سماج کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں اور اپنی جیبوں کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں. Thank you.